गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आई यू नो स्टूडेंट, वी आर रीडिंग योर लेसन मिल्खा सिंह कि आप पहला प्रीवियस वीडियोज़ की रीड आउट किया कि मिल्खा सिंह का जोड़ा बर्थ कितने होया मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के चाडू के जिथे कि उन्होंने अपनी जी प्राइमरी की फोर्थ तक की एजुकेशन ली। उस तो बाद कि नेड़े सिटी स्कूल दे विच चले गए से जिथे कि वह कि 10 किलोमीटर्स की आ वॉक करके जाते वापस आते, जिस कि उन्होंने स्टैमिना इनक्रीज़ होया, लंग्स ते लैग्स की जी पावर भी डिवेलप हुई सी। उस तो बाद की है कि उनके जोड़े ब्रदर से कल ही एजुकेटड से उन्होंने की नेड़े दे पिंड जिस तो कि लोग लैटर्स पढ़न ते लिखवाउण आउंदे सी। पिंड दे विच कीड़ियां गेम्स करवाईआं जांदियां सीगियां, दो गेम्स सीगियां रैसलिंग ते कबड्डी, दूसरियां गेम्स तो कि लोग उत्थों दे अवेयर नहीं सी। उस तो बाद कि जदों 17 दा होया तां की होया सी 8th क्लास दे विच कि इंडिया ते पाकिस्तान दी की हो गई सीगी पार्टीशन हो गई सी, जिस दे विच की आ उहदे माता पिता सी जिहड़े मिल्खा सिंह ते उहदे भैण भरा सी उहनूं उहनां दी अक्खां दे सामने उहनां दा मर्डर कर दित्ता गया सी। तो उहदे जिहड़े फादर साहब सीगे जदों उहनां दे लास्ट वर्ड सीगे जिहड़े कि भाग मिल्खा भाग, तो की कहिंदा मिल्खा सिंह कि अज भी मेरे कन्नां दे विच की कहिंदा मैं कि 77 दा हो गया तो मेरा अज भी कन्नां दे विच गल्लां गूंजदियां रहिंदियां ने। सो फिर वह किवें ना किवें बचदा बचाउंदा की है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचा सीगा, दिल्ली आया जिथे आके कि उन्हें की आ इंडियन आर्मी दे विच की आ ट्राई किया सिलैक्ट होंदे बारी, उन्हें की आनू 4 टाइम्स की आ रिजैक्ट कर दिता गया सीगा। बट की आ उहदे की आ मैथड्स करके जां उहदी ट्रेनिंग करके जां उहदे विच स्टैमिना करके की आ उह किवें ना किवें कि इलैक्ट्रिकल विंग दे विच की इक सैपोए मतलब कि सिपाही दे तौर ते की उह सिलैक्ट हो गया सीगा। तो उस तो बाद की होया सीगा कि इत्थे 4 माइल क्रॉस कंट्री रेस हुई सीगी जिहदे विच की आ 500 पीपल ने पार्टीसपेट किया सीगा। जदों फिनिश हुई सी तां की आ जिहड़ा मिल्खा सिंह नूं किन्नवा किस नंबर ते सीगा मिल्खा सिंह दी 6th पोजीशन आई सी उहदे विचों, जिहदे नाल की आ मिल्खा सिंह नूं बहुत मोटीवेशन मिली, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होया, तो उहनूं की आ फिर उत्थे की आ आर्मी दे विच सिलैक्शन मिल गई सीगी। सो स्टूडेंट्स, इस तो बाद की आप अज पेज नंबर अपना 61 ते सैकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। सो ओपन यूर बुक्स विद द वीडियो एंड लिसन केयरफुली अंडरस्टैंड द लैसन। इन द नैक्सट क्रॉस कंट्री रेस आफ्टर अ मंथ ऑफ ट्रेनिंग ही स्टूड सैकेंड, उस तो बाद जी नैक्सट क्रॉस कंट्री रेस हुई तो की है ट्रेनिंग के दौरान मिल्खा का 2nd पोजिशन आई सी। सो एग्जैक्टड ही वुड बी सम डेज एट द एंड ऑफ हिज ट्रेनिंग सैशनस दैट ही हैड टू बी कैरिड आउट टू हिज नियर बाय आर्मी ब्रेकर्स इन अ सैमी कॉन्सिक्वेंस स्टेट डिपार्ट ऑन सम मैच शोल्डरस। कहते कि बहुत थकया हुआ सीगा जदों की है ही वुड सम डेज एट द एंड ऑफ कि जो ट्रेनिंग के जोड़े की है दैन जे खत्म ही होने वाले से ते की है ही हैड टू बी कैरिड आउट तो की है वह कार की है आर्मी के बिल्कुल नेड़े ही जाने वाले से जिदे कि उन्होंने कुछ की है मेट सोल्जर से। सोन मिल्खा वाज ऑन हिज वे टू एथलैटिक ऑर्गनाइजेशन एंड फेम, तो की उस टाइम मिल्खा सिंह की है बिल्कुल अपनी फेम प्रसिद्धि तो की एथलैटिक ऑर्गनाइजेशन के बिल्कुल की है रस्ते दे विच सीगा मतलब कि वह गेन करने वाला सी। ही रन एंड वन मैनी रेसिस इन द 50s and 60s, तो उन्हें 50 ते 60 बहुत सारिया की रेसिस की है रन किया तो वॉन की बहुत सारिया रेसिस की है प्राइज वॉन किए। मिल्खा सिंह वॉज लिव्ड विद द पेन ऑफ द पाकिस्तान थ्रू आउट हिज रनिंग कैरियर, कि जिन्ना टाइम उहदा रनिंग कैरियर रहा तो जी पाकिस्तान की जी इंडिया की पार्टीशन सी जी पेन से दुख से हमेशा की है उस दे विच ही रहा। हिज बिलवड पाकिस्तान वॉज दैट एम्पटी पेनफुल स्पेस इन हिज हार्ट एंड इट वॉज टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रनिंग क्योर दैट ही फाउंड हिज क्योर। कहते कि जो प्यारा पाकिस्तान से खाली सी तो दिल के एक दुखदाई जगह बन चुकी सी, बट की सी इट वॉज टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रनिंग कैरियर दैट ही फाउंड, बट की है कि यह बिल्कुल की है वो कैरियर के एंड ते आके कि उन्हें इसका इलाज लभ लिया सीगा। एंड द एट द एंडो पाकिस्तान इंडो पाक एथलैटिक मीट इन न्यू दिल्ली इन द 1950 के 1950 न्यू दिल्ली दे विच की इंडिया ते पाकिस्तान दी की एक रेस सी एथलैट सी। ही वॉज सिलेक्ट टू रन द 3rd lap ऑफ द 400 meters रिले, तो उन्होंने किया एक 3rd lap दे विच की 4 meter रिले की दौड़ सिलेक्ट किया गया। इन द रेस द यंग मिल्क
Jang Sikh soldier caught up with his Pakistani rival on the tracks. ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗਾ ਜੰਗ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੀ ਲੁਕਡ ਓਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲਜਰ ਐਂਡ ਗਿਵ ਹੈਮ ਅ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਨੋਟ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਹੋਸਟੈਲਿਟੀ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲਜਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਿਫੋਰ ਬੀਟਿੰਗ ਹੈਮ ਟੂ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਮੰਗ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਨੋਟਿਸਡ ਦਿਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਹੈਡ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੈਮ ਟੂ ਰਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇਅਰ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟਸ ਐਂਡ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੀਕੈਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨਸ਼ੋਰ ਆਫ ਹਿਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰੇਸ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਟ ਕੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਨਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੈਮਸੈਲਫ ਹੂ ਪ੍ਰਸਿਊਡਡ ਹੈਮ ਟੂ ਗੋ ਟੈਲਿੰਗ ਹੈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਨ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਮੋਰ ਮਿਲਖਾਸ ਟੂ ਹੈਪਨ ਔਨ ਈਦਰ ਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਐ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸੋਲਜਰ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਜੋਬ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦਾ ਬੈਟਲ ਵਿਦ ਇਨ ਸੋ ਡੂ ਇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜੋਬ ਕੀ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ ਐਂਡ ਡਿਫੀਟਡ ਇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਵੀਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਅੰਗੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੂ ਗਿਵ ਹੈਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਡਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂ ਆਲਸੋ ਰੀਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਸੈਲਫ ਦਿਸ ਲੈਸਨ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ